भारत और जर्मनी मिलकर आतंकवाद और उग्रवाद जैसे खतरों से निपटेंगे। इसके साथ ही दोनों देश पर्यावरण को बचाने के लिए भी काम करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शुक्रवार को जर्मनी के साथ हुए समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जर्मन चांसलर डॉक्टर मार्केल को जर्मनी और यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व के लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। पिछले लगभग डेढ़ दशक से चांसलर के रूप में मार्केल ने भारत जर्मनी संबंधों को प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वहीं जर्मनी चांसलर एंजेला मार्केल ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दोनों देश सतत विकास और जलवायु संरक्षण पर बहुत बारीकी से काम करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी में 20,000 भारतीय नागरिक अध्ययन कर रहे हैं। हम इस संख्या को और भी बढ़ते देखना चाहते हैं। जब व्यवसायिक प्रशिक्षण की बात आती है तो हम शिक्षकों का भी आदान प्रदान करना चाहते हैं। आपको बताते चले कि जर्मनी चांसलर एंजेला मार्केल 2 दिवसीय भारत दौरे पर आई हुई है।